कल लवकेश हथकड़ी से बंधा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर पाया। लेकिन लवकेश की ड्यूटी नहीं करने पर इन लोगों ने, घर वालों ने बहुत ज़्यादा बवाल किया और यहाँ पर शिवानी को खरी खोटी सुनाते नजर आए। हालांकि शिवानी बार बार ये कहती रही कि अगर लवकेश ड्यूटी नहीं कर रहा तो उसमें उसकी गलती कहाँ हुई, लेकिन घर वाले जो हैं इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि अगर लवकेश ड्यूटी नहीं कर रहा तो लवकेश की ड्यूटी उसे ही करनी चाहिए जो उसके दोस्त हैं, और ऐसे में लवकेश के सारे बर्तन इन लोगों ने शिवानी से धुलवाए। शिवानी ने कोई भी हंगामा नहीं किया, वो जानती थी कि इस समय उसके लिए ज़रूरी है बने रहना लवकेश के साथ, और इसीलिए वो चुपचाप वो सारे काम करती गई जो लवकेश के थे। लेकिन अब आज नॉमिनेशन टास्क के बाद शिवानी बेहद दुखी थी, क्योंकि शिवानी को नॉमिनेट करते हुए जिस तरीके के रीज़न घर में दिए गए वो उससे बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा है कि मानो जानबूझकर बार बार उसको निशाना बनाया जा रहा है, और आज नॉमिनेशन के बाद जो उसकी ड्यूटी थी उसको लेकर घर वाले बार बार उसे चिल्लाने लग गए। हालांकि शिवानी ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दो, मुझे टाइम लगेगा, मुझे ठीक होने दो, उसके बाद मैं कर दूंगी, लेकिन यहाँ ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। और ऐसे में जब विशाल और लवकेश ने देखा कि ये लोग सभी शिवानी के पीछे पड़ चुके हैं, तो वो दोनों आगे आए हैं शिवानी की मदद के लिए, और यहाँ पर अब शिवानी की ड्यूटी वो करते हुए नजर आए। आप जानते ही हैं कि शिवानी की ड्यूटी है बर्तन लगाने की, लेकिन यहाँ पर अब लवकेश जो है शिवानी की ड्यूटी करता नज़र आया है, और उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप लोगों को ज़बरदस्ती ड्यूटी करानी है तो आप जो है शिवानी के पीछे बार बार मत पड़ा कीजिए, आप लोग मुझे बोल दिया कीजिए, लेकिन आप उसे बार बार तंग मत करो। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि वाकई में लव शिवानी की बहुत केयर करता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ।